So today I'm going to revise chapter power sharing. In this chapter, first of all, you have to learn about two countries, Belgium and Sri Lanka. बहुत बार ये रिवाइज हो चुका है, अब तो इसमें कोई गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेल्जियम की पहले आपको कैपिटल सिटी पता होनी चाहिए, ब्रुसेल्स। स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, कॉन्टिनेंट बताना चाहिए। फिर उसकी नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए उसकी। फिर वहां की एथनिक वेरिएशन, एथनिक वेरिएशन जब आप लिखोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि 101 बन जाना चाहिए। 59% कौन? डच। 59% और इनका रीजन भी बताना चाहिए, बताओ। फ्लेमिश रीजन, क्योंकि अगर वेलोनिया लिखोगे तो फिर आपका इकट्ठा हो जाएगा बाद में। 40% फ्रेंच, कितना रहते थे वेलोनिया, जो भी है स्पेलिंग चलो। फिर 1% जर्मन स्पीकिंग, इनका रीजन नहीं है, ये कंट्री नहीं है, ये कैप उनकी प्रॉपर कंट्री है बेल्जियम। अब कैपिटल सिटी में 80% फ्रेंच, कैपिटल सिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये कैपिटल सिटी उनकी बताओ, 80% एंड 20%। तो देखो कितना फर्क है, जो यहाँ पे माइनॉरिटी में है वहां पे मेजोरिटी में, जो इधर मेजोरिटी में है इधर माइनॉरिटी में, तो कितना फर्क है। Those who are in majority here, यहाँ पे majority में, but here they are in minority. Those who are in majority here in capital city, they are in minority in country. तो अब यहाँ पे government ने क्या किया, government ने first of all gave all rights to किसको दिए, French speaking, क्योंकि वहाँ पे rich थे, powerful थे, government gave all rights to French speaking. This was not tolerated by Dutch speaking and people of other communities, that's why there were clashes, but government followed. जैसे इंडिया में भी clashes हुए थे जब हिंदी को बनाया गया था official language, तो हमारी government, हमारे framers ने भी हिंदी के साथ English को adjust किया ताकि यहाँ पे clashes ना हो। वहाँ पे adjust नहीं किया गया था ये सब कुछ श्रीलंका, तो Belgian leaders जो थे उन्होंने क्या किया, amended their constitution 4 times। अब आपको वो इयर्स पता होने चाहिए, 1972 1993, ये इयर्स हमेशा याद रखना। एंड हाउ मेनी टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, 4 times अमेंडमेंट हुई। अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या किया, सीधा यहाँ से बताओ, दोज हु आर इन माइनॉरिटी इन कंट्री, देवर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन कंट्री, चाहे वो माइनॉरिटी में थे बट देवर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। चाहे कैपिटल सिटी में उन्होंने जो लोग यहाँ पे माइनॉरिटी में थे उन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी, मींस उन्होंने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी शेयर कर दी। और साथ में थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बेल्जियम, दैट वाज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। दिस अगर आपको पूछा जाए पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम पूछा जाता होता है, पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और नीचे लिखा जाना है कम्युनिटी गवर्नमेंट या फिर कोलिशन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। अब आप अपने आप बताओ, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे सेटअप हुई, इंडिया एग्जांपल है इसकी, हू सेइंग नो, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, इंडिया इज द एग्जांपल। इंडिया तो हर फील्ड में एग्जांपल है, इंडिया क्यों एग्जांपल है, बिकॉज इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एससी, तो इंडिया भी तो एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट की। इन इंडिया पावर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बिकॉज सीट्स आर रिजर्व फॉर। बेल्जियम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, पता है ना। तो ये आपने बताना है कि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटअप की बेस्ड ऑन लैंग्वेज। फिर आपने बताना है बेल्जियम बना फेडरल कंट्री इन 1993, कौन से ईयर में बन गया फेडरल, एंड ब्रुसेल्स क्या बन गया, हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये याद रहेगा, ब्रुसेल्स बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इस वजह से आपने इस टॉपिक को लर्न करना है। नेक्स्ट इज श्रीलंका, श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। अब श्रीलंका में बेल्जियम वालों ने कौन सा पाथ फॉलो किया, अकोमोडेशन।
श्रीलंकन गवर्नमेंट पास एक्ट इन 1956, वेरी गुड 1956, हरजोबन इज गिविंग आंसर्स, वेरी गुड, क्लैप फॉर हरजोबन। नेक्स्ट इज श्रीलंका गॉट फ्रीडम, इन ये जो क्लैपिंग करवाई है ना स्टूडेंट्स मैंने हरजोबन की करवाई है, ही इज गिविंग आंसर्स। तो श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948, 1956 में एक्ट वाज पास्ड इन श्रीलंका। अब वहां पे उन्होंने फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म, व्हिच पाथ वाज फॉलोड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म में। अब यहाँ पे एथनिक वेरिएशन कैसी थी, 74% सिंहला, 18% तमिल, 50 उसमें से 18 की आगे फर्दर डिवीजन थी, 13% 5% इंडियन था, 7% क्रिश्चियंस, 1% मुस्लिम्स, ये सारी वहां की डिवीजन थी। ठीक है, ये भी 100 बन जाएगा जब आप करोगे तो। तो नेक्स्ट इज श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉलोड विच पाथ मेजोरिटेरियनिज्म। अब व्हाइल गिविंग पावर्स दे गिव ऑल पावर्स टू सिन्हाला बिकॉज दे वर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका, क्योंकि उन्होंने पाथ ही मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया। व्हाट डू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, व्हेन मेजोरिटी डोमिनेटेड माइनॉरिटी, जब मेजोरिटी किसको डोमिनेट करे। क्या इंडिया में मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट कर सकती है? इंडिया में सिख SIKH, बच्चे SICK भी बना देते होते हैं, इंडिया में सिख मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, क्या उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिले हुए? मिले हुए, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि इनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो, पता है ना। तो इंडिया में मेजोरिटी माइनॉरिटी वर्क टूगेदर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कह रही जनरल व्यूज, हमारी गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म लेके नहीं चलती, वेयर एज श्रीलंकन गवर्नमेंट वो मेजोरिटेरियनिज्म लेके चले, डोमिनेटेड माइनॉरिटी, उन्होंने माइनॉरिटी को डोमिनेट ही की। तो उन्होंने सिन्हालास को क्या बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। बुद्धिज्म सिन्हालास का रिलीजन था, तो बुद्धिज्म बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन है? इंडिया में कोई ऑफिशियल ऐसे मेन एक लैंग्वेज है? अगर हिंदी को इतनी इंपॉर्टेंस दी होती ना तो हिंदी आज आप कंपलसरी पढ़ रहे होते अपनी क्लास में बैठे। तो आपको स्टेट को उन्होंने राइट दे दिया ना कि स्टेट कैन प्रमोट इट्स ओन स्टेट लैंग्वेज। तो इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी देखो, इंडिया ने हर चीज में बहुत अच्छा पाथ, कह लो कि हर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छे से सेटल किया हर चीज, तभी तो हम कहते हैं देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने एक तो हमारी आइडेंटिटी कॉमन रखी इंडियन। हम किसी भी स्टेट में रहे, हम ये तो नहीं कहते कि आई एम गुजराती, आई एम पंजाबी, ऐसे तो नहीं, हम कहीं पे भी नहीं कहते, हम अपनी आइडेंटिटी क्या देते हैं इंडियन। हम अपनी आइडेंटिटी ये भी नहीं देते कि मैं सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ऐसे तो नहीं कहते हम, हमारी आइडेंटिटी इंडियन ही है। ठीक है, तो वहां पे श्रीलंका में उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज अडॉप्ट की, बुद्धिज्म मेन रिलीजन बनाया। अब दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय तमिल, तमिल ने कहा विद सिन्हाला तमिल शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, बट गवर्नमेंट इग्नोर्ड देम, गवर्नमेंट ने उन्हें टोटली इग्नोर रखा। फिर तमिल ने क्या मांगा, ईलम, ईलम मीन्स डबल ई एल ए एम, ईलम मीन्स, स्पेलिंग तो कहीं पे भी लर्न नहीं करना है क्योंकि आपको उनसे लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना, यू हैव टू। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं आपको आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे इस बार का टॉपर हर्षिता थी, मैं हर्षिता को ही लेके चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसने MCQ करते वक्त, ये प्री बोर्ड की भी बात है, जो ऑनलाइन है वो भी सुन लो, अगर आप अपनी OMR पे आंसर करते हो और आप व्हाइटनर लगा देते हो, यू विल गेट 0 फॉर दैट आंसर, और अगर आप उसे कटिंग करके दोबारा एक और ऑप्शन टिक कर देते हो, यू विल गेट 0। आपकी OMR शीट बिल्कुल नीट, एक ही ऑप्शन डार्क होनी चाहिए, अगर कि आपकी दो दो ऑप्शन शो हो रही है, व्हाइटनर लगा हुआ है, फॉर दैट यू विल गेट 0, वो चेक नहीं होना, बाद में प्रॉब्लम। इस बार हमने चेक कर दिए, CBSE की गाइडलाइंस में था कि नहीं चेक करना, बट वी हैव चेक, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे। अब ये जो प्री बोर्ड है, ये इसमें अगर मैं सच में कहूं, अगर बच्चा बाद में किसी का 10 नंबर का भी लॉस होता है पूरे ऑल ओवर पेपर्स में, जैसे किसी ने सोशल में 2 गलतियां ऐसे की, व्हाइटनर लगाया, 2 नंबर गए, मैथ्स में भी गए, बच्चे की पोजिशन डाउन चली गई, सिर्फ एक किया उसने बिल्कुल ठीक है,
किसी ने बॉर्डर नहीं करना, पोजीशन विल चेंज, अगला बच्चा पोजीशन ले जाएगा, वो बच्चा गया डाउन। अगर कोई फेल भी हो रहा है इस बात को लेके, फॉर एग्जांपल बच्चे के आने चाहिए थे 16 मार्क्स, तो वाइटनर को अगर हम देखें तो उसके बन रहे हैं 18, ठीक है, और उसने तीन जगह वाइटनर लगाया तो उसके 15 बन गए, तो वो हम फेल ही कंसिडर करेंगे उसको। हम ये नहीं है बच्चा कल को जितना मर्जी चक्कर लगाए कि मैंने तो ये ठीक किया हुआ है, हल्का सा वाइटनर लगाया, वो चेक नहीं होना। तो ये बात पूरी ध्यान में रखो, आप उतनी देर ओएमआर को नहीं करोगे जब तक आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। बच्चे क्या करते हैं, पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे आंसर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो ओएमआर शीट को पकड़ते हैं और उस पर एक ही बार वो अपना आंसर पे करते हैं। मीन्स जो मैं देखती हूँ ओलंपियाड वगैरह भी होते हैं उनमें भी, वो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स पहले अपनी ओएमआर शीट उठाते हैं, बस एक घंटा पहले उठा लो। 45 तो मैं कम बोल रही, 50 आपने करने हैं तो आपको वहां पे भी आप एक घंटा पहले अपनी ओएमआर शीट उठाओ और उसमें अपने आंसर फुली कॉन्फिडेंट तब तक आपको उसमें फिल करने शुरू कर दो। और ये पक्का अगर एक बार कर दिया फिर उसको काट के दोबारा मत करना, तभी वैसे भी अगर आपने गलत कर ही दिया तो आप वाइटनर लगा के ठीक करोगे, वो गलत ही है। मीन्स ना तो वाइटनर चेक होना है ना ही कटिंग चेक होनी है। अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक लाइट सा एक आधा सर्कल डार्क कर देते हैं और एक फूल कर जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो हमारे से ना गलती से आधे वाला हो गया था, हमने करना तो ये था, वो चेक नहीं होना। वो चेक इतना सा भी डॉट एक सर्कल में दिख के दूसरा डार्क किया हुआ, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ये मैं बिल्कुल जो मैंने अभी बताया, फॉलो इट, पोजीशन चेंज हो जानी है, फेल अगर बच्चा हो रहा है इस बात को लेके तो फेल कंसिडर हो जानी है। सेम विल बी फॉलोड इन बोर्ड, CBSE की आ चुकी है गाइडलाइन, सेम विल बी फॉलोड देयर एंड सेम विल बी फॉलोड हियर, क्योंकि वो कंप्यूटराइज चेकिंग करते हैं वहाँ पे। और अगर उन्होंने कंप्यूटराइज चेकिंग करनी है तो ना तो वाइटनर वाला उन्होंने क्वेश्चन उठाना है ना ही कटिंग वाला। तो अगर हम आपको प्री बोर्ड में नंबर देंगे आप तो फिर वहाँ पे भी गलतियाँ करोगे। तो मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली बोला कि गिव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स कि ये काम नहीं करना, ठीक है। आप ये ना सोचना कि फर्स्ट टर्म में ये आपको प्री PT1 PT2 में नंबर दे दिया आप फिर मिल जाएंगे, नो, फिर नहीं कल्पना। तो व्हेन सिन्हाला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज, बुद्धिज्म बिकेम ऑफिशियल रिलीजन, तमिल प्रोटेस्टेड, दे डिमांडेड ईलेम सेपरेट स्टेट फॉर तमिल, बट इन्होंने इग्नोर किया सिन्हाला लीडर्स, इग्नोर देम, बॉदर ही नहीं किया उनको लेके। That's why civil war was held in Sri Lanka. आप पेपर में क्वेश्चन आ जाए, what do you mean by civil war? When there is war between people of same people of different social groups of the same country, that is called when there is war between the people of different social groups of the same country, that is called. And this civil war was held in Sri Lanka. Sri Lanka में civil war हुई। रीजन क्या था बिहाइंड सिविल वार, एकोमोडेशन पार्ट के मेजोरिटेरियनिज्म। अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट के कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट होती है जब आफ्टर इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी जो विनर तो है बट वो मेजोरिटी नहीं शो कर पाई, उसे हाफ से ज्यादा सीट्स नहीं मिली, तो वो पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ हैंड ज्वाइन करने पड़ते हैं टू शो मेजोरिटी एंड टू फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल 543 सीट्स इन इंडिया, पता है ना, तो 543 में से जो विनर पार्टी है उसे हाफ भी नहीं मिली। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर इज नो कोलिजन गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट है ना उसे हैंड नहीं ज्वाइन करने पड़े, वो खुद ही इतनी मेजोरिटी में आए हैं, उन्होंने खुद ही मेजोरिटी शो कर दी, उनको इतनी ज्यादा सीट्स खुद ही मिल गई, मोर देन 300 मिली हैं, तो उनको खुद ही इतनी मेजोरिटी मिली तो उनको हैंड नहीं ज्वाइन करने पड़े। बट अंडर कांग्रेस कोलिजन गवर्नमेंट थी, जब कोई पार्टी विनर तो होती है बट अपनी मेजोरिटी नहीं शो कर पाती तो इट मीन्स उसे दूसरी पार्टी के साथ हैंड ज्वाइन करके गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, दैट इज नोन एज। तो अब मैं पूछूं व्हेन पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट और कोलिजन गवर्नमेंट। अब मैं पूछूं देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल,
क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हम खुद कहते हैं देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, एक ऑर्गन लॉ बना रहा है, एक उसे इंप्लीमेंट कर रहा है, एक चेक कर रहा है, पता है ना, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। अगर मैं बोलूं पावर शेयर्ड, पावर्स आर शेयर्ड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल वर्टिकल, क्योंकि कहां एक प्राइम मिनिस्टर, कहां प्रिंसिपल मैम से मॉनिटर्स मार्शल्स तक पावर्स आ जाती है, पता है ना। प्रिंसिपल मैम अपनी पावर्स आगे आगे शेयर करते हैं, आगे टीचर अपनी पावर शेयर करती है, तो इस वजह से फिर कितनी एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी लोगों की पार्टिसिपेशन हो जाती है। देखो ये जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ये भी तो पार्टिसिपेंट ही हैं, वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले रहे हैं, चाहे वो प्रिफेक्ट है, चाहे मार्शल है, चाहे मॉनिटर है, कुछ भी है, चाहे वो कैप्टन है अपने उसके हाउस के, कुछ भी है, तो वो अपने आप उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है। इट मीन्स यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि डिसेंट्रलाइजेशन आएगी तो क्या बढ़ेगी, लोगों की पार्टिसिपेशन। और हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन जब आई, लोकल गवर्नमेंट, अर्बन सेल्फ एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट आई, तो किसकी पार्टिसिपेशन बढ़ी, बच्चों की, बूढ़ों की, क्या वुमेन की, वुमेन की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट फंक्शनिंग में बढ़ गई। तो इस वजह से आपने याद रखना है। और हमारे यहाँ पे एट द हाईएस्ट लेवल इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट कौन वर्क कर रहा है, एट द हाईएस्ट लेवल इन अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ पर अर्बन एरियाज के बच्चे हो बताओ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं बताओगे तो विलेज एरियाज के हो जाओगे। तो एट लोएस्ट लेवल मैंने अर्बन पूछा, एट लोएस्ट लेवल इन अर्बन सेल्फ नगर पंचायत, नगर पंचायत है, फिर म्यूनिसिपैलिटी है, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मिडिल लेवल बोलूंगी तो म्यूनिसिपैलिटी, अपर लेवल बोलूंगी तो ग्राम सभा के मेंबर्स कौन बन सकते हैं, जो पंचायत के होते हैं, के सारे विलेजर्स हुआ रहता है, ये जो फेटी इनका टेन्योर कितना होता है, टिल डेथ, हाँ लाइफ टाइम। पंचायत का कितना टेन्योर है, 5 years। Who is that dope, village panchayat? Sarpanch. Panchayat works at dash level in rural self-government. Local level कौन से हो गया? Lowest level. Dash works at highest level in rural self-government. Very good. जिला परिषद, विडल, ब्लॉक समिति, तो ये भूलना नहीं है। कौन employee है central government, sorry state government का in urban self-government? Deputy commissioner. Who is an employee of state government in urban self-government? Who is an employee of state government in rural self-government? Secretary. कौन है? किसकी participation बढ़ी इससे? 33% seats are fixed for women in आप कहोगे urban and rural self-government. 33% seats हैं women की. Whereas in center and state participation of women is लो। सेंटर एंड स्टेट में हमारी कंट्री में वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। बिल इज पेंडिंग बिफोर पार्लियामेंट बट वुमेन को वो इतनी सीट्स नहीं दे रहे। वेयर एज इन लोकल गवर्नमेंट वुमेन की सीट्स बढ़ चुकी हैं, लोकल गवर्नमेंट में 33% है, तो ये काफी हद तक कहते हैं कि बढ़ा देना। तो ये एक तो अर्बन सेल्फ, रूरल सेल्फ, ग्राम सभा भी आ सकता है। पीपल ऑफ द विलेजर्स हु आर एट द एज ऑफ 18 और अबव आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, दे आर मेंबर टिल डेथ। और अगर कोई भी किसी का भी टेन्योर पूछे तो दैट टेन्योर इज ऑफ 5 years, सबका टेन्योर 5 years। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल, टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीपल। तो इस वे से आपने डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आने से किसका बर्डन कम हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन आई तो किसका बर्डन कम हुआ, सेंटर, सेंटर ने अपनी कुछ पावर शेयर की एंड देन विद लोकल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर कर ली लोकल गवर्नमेंट के साथ, तो रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर कैन पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स इट्स मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स। ठीक है ना, ये याद रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। और आपको फेडरल कंट्रीज कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, अगर मैं पूछूं सिटीजन्स एंजॉय सिंगल सिटीजनशिप इज एन एग्जांपल ऑफ, आप मुझे बताओ कमिंग टुगेदर में है कि होल्डिंग टुगेदर में है, होल्डिंग। हमेशा याद रखना इंडिया के बच्चे, आप इंडिया के बच्चे हो, पेरेंट्स ने भी होल्ड करके रखा हुआ है
आपको स्कूल वालों ने भी होल्ड करके रखा हुआ है, आप 5 मिनट लेट होके देखो घर से कितने फोन खड़कते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट आपको होल्ड किया हुआ उन्होंने, आप उनको अनस्टेबल हो। बाहर की कंट्रीज में जाओ तो बच्चे अनस्टेबल नहीं होते, वहां पे वो अपना स्कूल जाते हैं चाहे वो रात को घर जाए, कोई नॉर्मल बॉदर। इंडिया के बच्चे 5 मिनट लेट होके देखते स्कूल से, वो के देखो किस दिन तो कैसे करते हैं पेरेंट्स फोन, और स्कूल नहीं आते कंसेंट फॉर्म देके तो कैसे घर में स्कूल वाले फोन करते हैं, ये भी देखो। मींस दोनों जगह से होल्ड करके रखा हुआ है, दोनों जगह केयर हो रही है। तो हम इंडिया की हमेशा याद रखना, होल्डिंग टुगेदर है, ठीक है। आप इतने पावरफुल तो नहीं हो कि जब दिल किया घर चल जाएंगे, अनस्टेबल हो तो इंडिया की गवर्नमेंट भी तो ऐसी है, स्टेट्स आर अनस्टेबल टू। अब कौन पावरफुल है, मीन्स आपका स्कूल और आपके पेरेंट्स पावरफुल है, आप तो उनके आगे कुछ भी नहीं हो। हाँ जल्दी करो,